हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और फ्रेंड्स, ये हमारी माता रानी जो मैंने बहुत अच्छे से इन्हें तैयार किया है, तो चुन्नी वगैरह उड़ा के और साइड में हमने गणेश जी को स्थापित किया है और एक साइड में माता लक्ष्मी हैं। और मैं मतलब गणेश जी बनाई हूँ इसका सुपारिश का, लेकिन तभी मैं प्रतिमा हमेशा रखती हूँ, जो मूर्तियाँ हमारी होती है तो मैं रख दी हूँ। इधर ज्योत बत्ती सारा लगा दिया है दोनों तरफ, ठाकुर जी का भी ऊपर चल रहा है ज्योत। तो फ्रेंड्स, सुबह आज बहुत ज़्यादा काम थे कि मैं क्या बताऊँ आपको, पॉसिबल ही नहीं हो रहा था कि आज कोई ब्लॉगिंग होगी, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा कर दी थी, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई हूँ। बट ये तो देख लीजिए, मैं माता रानी को अच्छे से तैयार करी, ये तो आप लोग देख ही रहे हो कितनी प्यारी लग रही हैं। और मेरा ना बार बार माता रानी के मुखड़े पे ही जा रहा था, मतलब मेरी आँखों से एक जैसे थोड़ा सा जब माता रानी को मैंने देखा तो तैयार हुई तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, ऐसा लग रहा था मैं खो गई हूँ उसमें। तो बहुत अच्छा लगा माता रानी को स्थापित करें। और ये मूर्ति मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था, तो मैं पिछली बार जब गोरखनाथ में गई ना तो हमारी मूर्ति कितनी मिल रही थी, 2500 रुपये की। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो इतना पैसा मैं लेके नहीं आई हूँ, बट ले जाऊँगी ज़रूर, पर इससे छोटी ले जाऊँगी। तो इससे छोटी वाली मैं लाई हूँ, 350 का मेरा मिला था ये माता की मूर्ति। और पूरा पाठ वगैरह सब मैंने कर लिया, मैंने पूरा नहीं कर पाई हूँ पाठ, आज बहुत जल्दी है क्योंकि बहनी के निकलना है लुधियाना के लिए, ट्रेन पकड़नी है तो जा रही हैं आज, तो इसलिए मैं आज आधा पाठ मैं अभी कर रही हूँ करी हूँ और आधा मैं करूँगी शाम को। और आज से शायद मैं आप लोगों से मतलब फेस टू फेस बातचीत नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसी तरह हमारे ऑडियो में ये सुनोगे मुझे। और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, अम्बे तो हैं जगदम्बे काली, मैंने पहले गणेश जी का किया उसके बाद अम्बे जगदम्बे का किया है, तो इस तरह से हमारा हो गया है। और यहाँ पे मैं अब बहनी चली गई हैं, तो ये दोपहर का समय है, वो लोग 11:15 बजे निकल गए, तो फिर मैंने चाय वाय पी, फिर 12:30 हो गए। तो मैं एक सोची कि चलो अच्छा, आज व्रत भी है, कोई खास काम भी उतना मतलब इतने टाइम में नहीं उस तरह से है। तो कहते हैं जब कोई जाता है ना तो थोड़ी देर तक कुछ नहीं करने करते हैं, तो थोड़ा सा मैं नहीं करी थी कुछ कामों। और यहाँ पे अलमारी का बहुत ज़्यादा बिखर गया था, क्योंकि इतने दिनों से ना जब बहने लोग थी तो खाली बातचीत में समय निकल जा रहा था और कोई काम नहीं हो पा रहा था, सब ऐसे छोड़ दिए थे। जब मेरे यहाँ कोई आता फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा फालतू काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जो ज़रूरी काम होता है वो करती हूँ, अच्छा खिलाती हूँ, बनाती हूँ और बात करती हूँ, यही रहता है। उसके बाद जब चले जाएंगे तो अपना काम होता रहेगा। और यहाँ क्लीनिंग हो गई अच्छे से, मैं सफाई कर दी हूँ और चादर बदल दूँगी। और मेरे पास इस तरह की कई चादरें हो गई हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चेंज क्या करूँ, अब इधर कॉटन बिछाऊँगी, बट अभी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है तो यही बिछाऊँगी, आज भी दूसरी वाली बिछाऊँगी, इसको धुल दूँगी। आज नवरात्रि स्टार्ट हुई है, 2 दिन हुआ है बिछाए, लेकिन तब भी मैं इसे चेंज कर रही हूँ। और तो ये गांठ लगा के मैं बिछाती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से ये रहता है, जैसे बिछा दो ना वैसे ही पड़ा रहता है, तो बार बार ठीक नहीं करना पड़ता है। तो मैं चारों कोने इस तरह मैं बड़े गांठ में, मतलब चादर बड़ी है तो बड़े बड़े गांठ लगा देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से फंस जाता है इस तरह से, और देखने में बहुत काफ़ी सुंदर लगता है, बिस्तर बिल्कुल टाइट टाइट सा दिखता है तो सही लगता है। और यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह लगा के और फिर ठीक कर दिया है, और झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि सुबह से मतलब वही सफाई किए थे, तो आज पूरा घर भी धुल दिए थे। मैं सुबह 4:00 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे पता था पूजा करने में मुझे बहुत समय जाएगा, तो 9:30 बज गया था और बहनी के 11:15 बजे निकलना था, तो मतलब धुलाई कर दिए थे लेकिन सब लोग सो रहे थे और चादर नहीं बदल पाए थे। मैं अब चादर बदलूँगी और थोड़ी सी खिड़कियों पे आजकल धूल वगैरह आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी खिड़की, और यहाँ पे भी चादर बदल दूँगी। सब लोग बैठे रहते थे दिन भर तो गंदे हो जा रहे थे, तो मैं ये भी बदल देती हूँ। और नवरात्रि का दिन है तो ये भाई तो बनता ही, माता को घर में लाई हूँ तो साफ़ सफाई तो रहता ही। वैसे आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा है कि मैं साफ़ सफाई का खास ध्यान रखती हूँ। इधर गला ख़राब हो रहा फ्रेंड्स थोड़ा सा, क्योंकि 2 दिन से शाम में भी नहा लेती हूँ ना पूजा पाठ करने के चक्कर में, तो थोड़ा सा जुखाम सा लग रहा है मुझे। और सोफ़ा का कवर वगैरह थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ और लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद बर्तन धुलूंगी। बहुत सारा बर्तन इकट्ठा हो गया फ्रेंड्स आज किचन में, और थोड़ा सा बहनें चली गई हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, घर बिल्कुल खाली सा हो गया है, सब दोनों लोग चली गई, बच्चे चले गए सब, तो थोड़ा घर खाली लग रहा है। तो अब क्या करूँगी, मन नहीं लगेगा तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ काम करके और अपना टाइम पास कर लूँगी।
तो काम भी हो जाता है और समय भी पास हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी झाड़ू, और झाड़ू के बाद धुलूँगी बर्तन। और जो मैं अभी तक ना मेरा जो होली पे निकाला गया था बर्तन, वो भी अभी मैंने नहीं रखा है, क्योंकि वैसे ही मैं गुजिया वाला जो सा होता है बर्तन वो भी छोड़ दिए थे, नमकीन वाला सारा ऐसे मैं छोड़ दी हूँ, मतलब फटाफट ऐसे छोड़ दूँगी। आवाज में सारा करूँगी साफ़ सफाई, और भगवान जी का वस्त्र भी बदला है तो उसे भी मुझे धुलना है। तो काम की कमी नहीं होती है फ्रेंड्स, घर में काम तो होते रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं घर में कि मतलब करने में ख़त्म नहीं होते हैं। खैर ठीक है, अब हमें तो यही करना है, ऑफिस तो जाना नहीं है, तो मेरा काम हो जाएगा अभी। अब तो बर्तन पहले धुल दूँगी, उसके बाद धुलूँगी बर्तन जो हमने होली पे निकाल रखा था ना, वो मैं धुल के रख दूँगी। और फ्रेंड्स शायद मंदिर वगैरह में नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और इधर बर्तन धुल दिया, भगवान जी का बर्तन धुल लिए हुए, और अम्मा लोग भी आने वाली हैं कहीं बहनी को पहुँचाने स्टेशन, तो तब तक बर्तन धुलूँगी, वो लोग आ जाएंगे। तो उसके बाद ही कुछ नाश्ता बना के मतलब देना पड़ेगा, क्योंकि आज व्रत है तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ साबूदाना भिगा दिया मैंने, और उसका बना दूँगी खिचड़ी, उसका मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो डालूँगी सरस किचन पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सरस किचन बहुत अच्छा है, पूजा तो सुबह ही हो गया था, तो आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी, तो ये शाम का है, उसके बाद बहुत सारे काम थे। तो वहाँ पर ये मैं अपनी माता को लाई थी, मैंने बताया था ना कल कि हाँ माता रानी को मैं लाई, ये हमारी माता रानी है, और बहुत सुंदर प्यारी लग रही है। और ये है तो शाम का पूजा है, और आपके पूजा में मैं नहीं सोची थी कि सेव करूँगी, लेकिन मैं सुबह से बात नहीं कर पाई थी आप लोगों से, तो मैंने सोचा चलो अच्छा बात भी कर लेती हूँ, और अपना ये काम भी हो जाएगा। ये पूजा पाठ वाला जो अपना ये अब तो 9 दिन ड्यूटी रहेगा, वैसे तो पूजा तो हमेशा होता है, लेकिन थोड़ा माता रानी आई है घर पर तो स्पेशल तो बनता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जोत बत्ती जलाऊँगी, जो पाठ सुबह जल्दबाजी में बाकी रह गया था अब मैं शाम में करूँगी, सुबह में ठीक से हो नहीं पाया था क्योंकि बहनी को जाना था ना, बहुत जल्दी था सुबह में, तो मैं इतने टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। तो शाम हो गया है, और जोत बत्ती भी कर दूँगी, बाहर का अंदर का सबका ये मैं तैयार कर रही हूँ जोत, और ठाकुर जी के लिए मैं कर दूँगी इतने टाइम भी। और इसमें 3-2 जोत लगाना है इतने टाइम, और टाइम लगा तो मंदिर भी जाऊंगी, लेकिन पहले घर का ये सुबह का जो पार्ट बाकी है ये कंप्लीट करूं। सुबह में हो नहीं पाया था, मेरा जल्दबाजी था सुबह में, सारी तैयारियां करने में कितना सारा लेट हो जाता है। लेट तो इतना हो गया था यार, 9:30 बज गए थे पूजा करने में, और सारी तैयारियां साफ सफाई करने में कल भी नहीं हो पाया था, कल छोटी बहनी जा रही थी उस चक्कर में नहीं हो पाया था, आज बड़ी जा रही थी, लेकिन सुबह 4 बजे उठ गए थे तो मतलब काम हो गए थे सारे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ माता रानी का पूजा, तो सब बाय, और आप लोग भी माता रानी का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, और मैं भी अपना काम स्टार्ट करूँ पूजा का, तो सब बाय।